जो विमेन कर रही है वो कैसे कर, दूसरों की चेक करने वाले पारस ठकराल की लॉयल्टी में एक्स्ट्रा एल लग गया आ, है तो, शेर आया, शेर आया वाली तो सुनी होगी ना तुम लोगों ने पारस ठकराल का एक चैनल था जिसपे तो में प्रैंक वीडियो बनाता था और जो लोग भी कोलैब में आते थे हमारे पास जो की स्क्रिप्टेड अब जब सही में शेर आ गया है तो पब्लिक को यकीन ही नहीं हो रहा और पब्लिक को इनका डिवोर्स भी स्क्रिप्टेड लग रहा भाई। भाई। वैसे तो मेरा किसी के पर्सनल लाइफ में झांकने का मन तो नहीं है लेकिन जब कोई खुद ही सब कुछ पब्लिक कर बैठा है तो मैं भी क्या करूं और वैसे भी संकट की इस घड़ी में दोनों खुद ही वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए परेशान है वीडियो जरूर देखना और शेयर करना ताकि ये हर लड़की तक पहुंचे तो हमारा हेल्प करना तो बनता है गाइस देखो तुम लोगों को पहले से ही सारी कहानी पता है इसलिए हमें यहाँ कोर्ट नहीं लगानी है इस जंगे आजादी में कौन जीत रहा है कौन आ रहा है मुझसे क्या है हम गुट निरपेक्ष दल के लोग हैं गाइस हमें बस न्यूट्रल रहकर सिर्फ पनीर खाना है लेकिन YouTube वाले भी ना पनीर नहीं खाने देते हर वीडियो में येलो डॉलर लगा देते हो सारे व्यूज आने के बाद पांच दिन बाद ग्रीन करेंगे स्कैम हो रहा है भाई YouTube वाले तुम लोग मेरे साथ स्कैम कर रहे हो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है एनीवेज पारस पर वापस आते हैं डेली व्लॉगिंग को नेक्स्ट लेवल सॉरी बिलो लेवल यानी कि सुहाग रात तक ले जाने वाले पारस ठकराल अब व्लॉगिंग को खींच करके डिवोर्स तक लेके आए हैं

अब आगे दोनों कहां तक जाएंगे इसका अंदाजा तो बस सैक्रेट गेम्स के गुरुजी को है केवल उसको अपने समय से पीछे और आगे का मालूम था दोनों इस बात पर भी अग्री हैं कि जनता ही असली जज है इसीलिए तो अब YouTube पर ये प्रैंक प्रैंक खेलने के बजाय अब प्रूफ प्रूफ खेल रहे हैं कुछ भी मानोगे ना बिना प्रूफ के बिल्कुल मत मानना आज मैं ये प्रूफ कर दूंगा हर चीज में आ, जितना प्रूफ तो असली कोर्ट में भी नहीं देता कोई उससे ज्यादा प्रूफ तो ये अपनी दूसरे लोगो ऐसी मैंने कहा बात करी तेरी बंदी आई थी मैं थोड़ी गया था भाई प्रूफ के साथ साथ इनके पास कुछ विटनेस भी है गाइस चलो पहला विटनेस कोर्ट में पेश किया जाए इधर ये मेरे जीजू है मासी की लड़की के हस्बैंड है मेरे और इन्हीं को मतलब फाइल इधर दो और जिसके लिए बुलाया ना चुपचाप बस वो बोलो इन्होंने बोला था उन्होंने कहा कि मैं कोमल का घर उजाड़ दूंगी बस थैंक थैंक यू यू विटनेस की ऐसी बेइज्जती तो कोर्ट में भी नहीं होती पलट जाएगा भाई तुम्हारा विटनेस इज्जत दो से। तो बेसिकली पारस और स्नेहा एक दूसरे के ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एलिगेशन लगा रहा है मेरे साथ साथ पांच लड़कियों की और जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं या हो सकता है और भी सुहागरात प्रेगनेंसी और लेबर पेन दिखाने के बाद अब एक दूसरे की चैट्स दिखा रहे। जो भी हो किया दोनों ने खुद है लेकिन जबरदस्ती पब्लिक को सुंगा रहे हाय हाय और सुंगे, नाक से बार ढेर सारे लोगों को लग रहा है कि सारा मामला है यूज फॉर व्यूज का पर्सनल लाइफ का यूज अपने बच्चों का व्यूज स्क्रीन शॉट कॉल रिकॉर्डिंग सब का यूज फॉर व्यूज अब बहती गंगा में ये लड़की भी आ गई है अपने प्रूफ लेकर एग्जैक्टली मैं ही और डॉन जिन्होंने मतलब पारस, पारस ले तो लेकिन दूसरी मजबूरी ज्यादा बड़ी है। इसके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे है ना तो इसने भी किया यूज फॉर व्यूज पारस के चैट का ए, चार, जल्दी, जल्दी नहीं, हो, मतलब चार जल्दी नहीं मिलूंगा, मुझे में ठीक है ये कॉफी मिलेगी देखो इसका मतलब उसके बाद क्या ये देखो सारी के साथ। हाँ समझ कि लाइन मार रहा था तुम पर लेकिन एंटरटेन तो बेटे तुमने भी किया है उसे एक शादीशुदा आदमी को महीनों तक रात रात भर इतना भी एंटरटेन नहीं करते दीदी और किया है तो दोनों की गलती है अब इस झगड़े में अरमान मलिक ने भी कुछ दो शब्द बोले हैं। ठीक है, है स्नेहा पारस का चल रहा है आज नहीं तो कल वो समझ जाएंगे अभी बहुत छोटे हैं दोनों है। पारस माना कि तुम ट्यूशन लेने के लिए अरमान मलिक के पास जाते हो आ, मैं ये देख रहा हूँ कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं भाई लेकिन तुम भूल रहे हो कि गुरु हमेशा गुरु होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो उसने भी किया था लेकिन बेटा बेटा कह करके दोनों स्वतंत्र को बहन बना कर रखा है बच्ची बोलना शायद काम नहीं आए बट मैंने फिर भी एक्सेप्ट किया कि चल बच्ची है छोटी है हाँ कि तुम इसके पति कम और बाप ज्यादा लगते हो शक्ल से भी और नेचर से से भी लेकिन खुद बच्ची बच्ची बोल रहे थे तो थोड़ा सा केयर नहीं कर लेते क्या जरूरत थी शक्ति कपूर बनने की है मैंने कहा बात करी तेरी बंदी आई थी मैं थोड़ी गया था भाई कोर्ट में जाने के बजाय सोशल मीडिया पे लौट रहे हो है? लेकिन सारा कुछ प्यार से हैंडल कर रहे हैं दोनों सब लोग मिलकर के बहुत प्यार से वो चीजें हैंडल कर रहे हैं

ये सब ड्रामा देख करके जिन लडकों ने दो दो शादी करने का अरमान पाल रखा था वो पारस की हालत देख करके डर गया होंगे दूसरी शादी की इसीलिए प्रांक में भी ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जाने कब सरस्वती बैठी उस जुबान पर में पहली होगी बेटा दूसरी शादी भी होगी लेकिन पहली छूटने के बाद मेरा मैनेजर आपको देने आया था पुलकित आपने वो भी पेपर में लिखवा तो तो मेरी हो गई। पहले <laughs> ले ही लिया था ने, लेकिन अब वो तुम्हारा थार लेना शुरू कर दी है बाई चांस मैंने दीदी का फोन जो है वो चेक कर लिया एक मिनट बाई चांस नहीं उसे जासूसी कहते हैं बहन नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सही किया है या गलत लेकिन उसे बाई चांस तो ना बोलो और उसके बाद जो है वो मैंने देखा अरे ये तो चैट हो रही है प्रॉपरली अच्छा यहाँ पे हो इसके साथ हो ठीक है इस बाय चांस किसी दूसरे के फोन में वॉट्स ऐसे ओपन होता है क्या और बाय चांस किसी और की की प्राइवेट चैट रिकॉर्डिंग भी हो जाती है क्या इन दोनों की लड़ाई में पारस ठकराल की बहन कोमल को भी खींच लिया गया इंटरनेट पर उसका भी पास्ट ओपन हो रहा है लेकिन हम लोग उस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे गाइस हम आगे बढ़ेंगे सौरभ जोशी तुम तो ठीक हो ना तुमने भी बहुत कोलैब किया पारस ठकराल के साथ और मिलने आ आगे सबसे बड़ी चीज मिलने आ आगे देखो क्योंकि सीधा निकल जाते वैसे तो देखो कहीं तुम्हारा भी स्क्रीनशॉट ना वायरल हो जाए अभी भी टाइम है जो किया है उसे अनसेंड कर दो सच कहू तो मुझे कभी कभी लगता है कि एक दिन ये दोनों साथ में वीडियो अपलोड करेंगे और बोलेंगे मजाक स्नेहा के साथ छोटा सा सॉरी 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 यार रियली दिल से बेटा अभी तो तुम लोग गंदा कर ही रहे हो लेकिन अगर ये प्रैंक निकला ना तो पब्लिक मोबाइल से निकल कर थप्पड़ मारेगी पारस ने शादी के पहले का कार्ड रिवील करके खुद ही अपने बच्चे को भी घसीट लिया लड़ाई में लेकिन वहीं दूसरी तरफ बच्चे के नाम का बवाल भी मचा रखा है वो बड़ा होगा तो क्या देखेगा वो बड़ा होगा तो क्या सुनेगा क्यों बच्चा जब बड़ा होगा देखेगा मेरी माँ ने ये करा मेरे बाप ने ये कर मेरी माँ ने ये करा चिंता मत करो चिल उसे बड़ा होने दो वो खुद ही कहेगा कौन है कहाँ से आते हैं देखो इनका क्या चल रहा है कौन सही है कौन गलत है इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है हाँ कुछ भी हो वायलेंस नहीं होना चाहिए और हाँ पर्सनल लाइफ की डिग्निटी भी मेंटेन रखनी चाहिए अब तुम लोग ऐसे पचड़े में ना पड़ जाना हाँ और हाँ थैंक यू तुम सभी लोगों का क्योंकि फाइनली ट्वेंटी के फैमिली हो गई है हमारी बाकी मस्त रहो आबाद रहो यहाँ रहो चाहे दौलताबाद रहो बाकी की चीजें ना मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताती हूँ कि और क्या क्या करा है उन्होंने सारी हरकतें आपको दिखाती हूँ